अब हमारे पास क्या काम है जो हमने यहाँ पे दिया था? हमने ये कहा था कि भाई हमारे पास यहाँ स्ट्रिंग है और ये मेरे पास एक यूजर है जो कि बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या है, नल है, सही है। जब मैं इस यूजर की बात कर रही हूँ, मैंने कहा था जब ये यूजर यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू के इक्वल होगा। लेकिन जब मैं इसको यहाँ सेट कर दे रही हूँ ना, प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है कि जब मैं इसको यहाँ पे सेट कर रही हूँ, ठीक है, तो सेट करने में हो ये रहा है यहाँ पे कि अगर मैं नॉर्मल वेरिएबल से कर रही हूँ और इसको नीचे वाले मेथड में जाके मैं जब चेक करूंगी ना, तो ये मुझे नल ही देगा। ये मुझे क्या कर रहा है, नल ही दे रहा है, क्योंकि जब रीडायरेक्ट हो रहा है फिर वो रिफ्रेश हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे नहीं आ पा रही, तो मुझे इसको या तो टेम वेरिएबल में करना पड़ेगा और टेम वेरिएबल में करके नीचे फिर मुझे सेशन इसका क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, और मैं अब इसको ये पासवर्ड लॉगिन कर रही हूँ, ये मेरे पास चल रहा है। अब मैं अगर वो वाली ईमेल एड्रेस एंटर कर देती हूँ, ये वाली, और इसका पासवर्ड हमारे पास 1234 है, अकाउंट स्टेटस पेंडिंग है, मैच कर रहा है। मैं जो पहले काम कर रही थी वो मैं ऊपर डिक्लेयर करके ना स्ट्रिंग कर रही थी, तो उससे क्या हो रहा था कि बाद जब हम रीडायरेक्ट कर रहे थे तो वो वैल्यू सेट नहीं हो पा रही थी और यहाँ पे मेरे पास चल नहीं रहा था। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कहा भाई ये टेम डाटा के अंदर डाल दो, ठीक है, यूजर नेम, और यहाँ पे जब रीडायरेक्ट होके आएंगे तो पहली दफा अगर ये मेथड चलता है तो मेरा टेम डाटा में वैल्यू सेट ही नहीं है, वो नल है। जब रीडायरेक्ट हो गया होगा तो टेम डाटा के अंदर वैल्यू होगी, सही है, और वैल्यू होगी तो वो रिटर्न करके इंडेक्स की व्यू पे चले जाए। अगर वो वैल्यू नहीं होगी तो वो वापस मुझे कहाँ लेके चला जाएगा, लॉगिन के पेज पे लेके चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इसको पहले टेम डाटा से करके चलाओ, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर लूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास बेटा लॉगिन होने के बाद, हमारे पास जब हम लॉगिन हो रहे हैं इधर, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मेरा इंडेक्स का पेज खुल के आ रहा है। हमने जो इंडेक्स का पेज जैसा सोचा था हमें बिल्कुल वैसे ही डिजाइन करना है। एप्लीकेशन के नाम की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा आना चाहिए, फ्रेंड सर्किल, और यहाँ पे मेरे पास मेरे यूजर का नाम आना चाहिए, सही है ना? हाँ, मुझे यहाँ पे मेरा यूजर नेम आना चाहिए, जो मेरा यूजर नेम है वो मेरा यहाँ पे आना चाहिए और इसके साथ मेरा लॉग आउट का बटन आना चाहिए ताकि मैं जब लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो वापस कहाँ आऊँ, लॉग इन पे, सही है। तो पहले हमें ये काम करना है, बात समझ में आ रही है? ये मेरे पास है लेआउट, ये लेआउट मैंने लिया ही इसी के लिए था। यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन नेम, इस एप्लीकेशन नेम की जगह पे मैं लिख दूंगी फ्रेंड सर्किल, ठीक है, इंडेक्स है, होम है, ये आ रहा है, ये मेरी नेविगेशन बार है, बात समझ में आ रही है? इस नेविगेशन बार के अंदर ये मैंने पेस्ट किया नेव बार आइटम, ठीक है। अब ये फ्रेंड सर्किल नहीं आएगा, लेट सपोज मैंने कहा यहाँ पे क्या लिखना है या कुछ भी यहाँ पे लेना है, यूजर का नाम है, ठीक है, जैसे लेट सपोज मैंने कहा एबीसी है, कोई लिंकिंग नहीं है, कहीं नहीं जाना, हटा दो, सही है। एक मिनट मैं इसको चला के दिखाती हूँ, ये फ्रेंड्स अब ये इधर आ रहा है, मुझे यहाँ जाना है, ये तो मुझे क्लिकिंग चाहिए नहीं, क्योंकि जब मैं क्लिक करूंगी तो ये यहाँ आ जाएगा, तो मुझे इस पे क्लिकिंग नहीं चाहिए। तो मैं अब लेआउट पे आ रही हूँ, अगर मैं इस चीज को बाहर निकाल दूं और मैं इसको इस तरह कर दूं और मैं कह दूं भाई ये सिर्फ एबीसी है, इस पे कोई क्लिकिंग व्लिकिंग कुछ भी नहीं है, और इसके ऊपर क्लास लगा दो नेव बार आइटम की,
या आप इस पे और क्लास सर्च भी कर सकते हो, नेव बार, ठीक है, राइट टेक्स्ट, ठीक है, या सिंपल अगर मैं लिख दूं कि ये सिंपल मेरे पास क्या है, आइटम, सही है। तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो। इसको यहाँ पे वापस आओ, अभी बताती हूँ ना, क्योंकि हम बार बार इसको चला रहे हैं ना, इसलिए लॉग आउट। अब मैंने इस पे क्लिक करा, देखो क्लिकिंग पे ये अब मेरे पास एक चीज आ रही है, ये वाली ना, तो मैं इस वाले को भी यहाँ पे कमेंट कर रही हूँ। एक मिनट, कमेंट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके ऊपर ही यहाँ पे आपके पास गिवन हुआ हुआ है, ये रख कमेंट यहाँ कर, ठीक है। यार है एबीसी हल्का सा, बहुत लाइट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आ रहे एबीसी। अच्छा, जो ये लेआउट है इसमें हमारे पास एबीसी आ रहा है, जो भी हमारे पास है। एंकर का टैग मैंने यहाँ पे खैर लगाया हुआ है, ये मैं खैर बंद कर दूंगी, एंकर का टैग हमें डिस्प्ले में नहीं चाहिए। आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब इसकी लिंकिंग पे कुछ भी नहीं है, मुझे ये यहाँ पे चाहिए और ये यूजर का नाम होना चाहिए। किसका नाम होना चाहिए? यूजर का नाम होना चाहिए। अब बात सुनो, ठीक है, मुझे यूजर का नाम चाहिए, ठीक है। अगर मैं टेम्प यूजर का नाम लिखती हूँ, बात समझना, यहाँ पे @ टेम्प यूजर, ठीक है, अब देखो, अब हम लॉग इन इस वाले से हो रहे हैं, ठीक है, आ रहा है ये मेरा ईमेल आईडी आ रही है, क्योंकि यूजर नेम में मेरे ईमेल आईडी उठी हुई है, तो मेरा वही आ रहा है, सही है, बात समझ रहे हो। अब इसी तरीके से मैं अब अगर लॉग इन होती हूँ एबीसी से, तो मेरे पास ये वाली आती है, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, इधर कॉर्नर पे चाहिए। तो कॉर्नर पे लाने के लिए मुझे काम क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट को राइट साइड पे लेके जाना, ठीक है। एक मिनट, फुल राइट करना पड़ेगा, फुल राइट, वन टू थ्री, सही है, चला गया उधर, सही है। अब इधर आने पे ये मेरे पास यही आ रहा है, फुल राइट से ये, ठीक है, नेफ बार राइट होती है तो वो मेरे पास यहीं पे आता है, ठीक है। तो ये मैं चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है बेटा, आपने कंडीशन लगानी कैसी है और क्या करना है। सही है, अब ये देखो यहाँ पे फुल राइट से हुआ क्या, और अब इस वाले से हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा, ये भी आप देखो, लॉग इन यहाँ, सही है। तो हमें क्या लगाना है, नेव बार राइट, कि नेव बार राइट है, जब मैं फुल स्क्रीन करूंगी तो यही आएगी, ठीक है। इसके बाद मेरे पास जो मैंने ये क्लोज करा था, इसे मैंने खोल दिया, मेरे पास अब लिखा हुआ आ रहा है लॉग आउट। लॉग आउट पे मुझे किस पे जाना है, लॉग इन के पेज पे, ठीक है, और कंट्रोलर मेरा कौन सा है, होम है, सही है, रिफ्रेश। अब यहाँ आप देखना, सही है, कि हमें कहाँ क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे। ये लॉग आउट आ रहा है, अभी मैं इसको एडजस्ट कराती हूँ, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूंगी तो मैं यहाँ आ जाऊँ, इस
वाले पेज पे। अच्छा इसका जो डिस्प्ले आ रहा है मेरे पास वो नेव बार आइटम जो भी आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा कोई मसला नहीं है, आप इसी तरीके से इसे उठा लो, अगर इसमें इशू हो रहा है ना कोई मसला नहीं, आप यहाँ आ जाओ, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगी लॉग आउट, ठीक है, और इधर एच रेफरेंस के अंदर मैं डिफाइन कर दूंगी इस तरीके से, मुझे लॉग होम के लॉगिन पे जाना है ना, एट द रेट यू आर एल होगा, डायरेक्टली लिख दो ये ज़्यादा बेटर। ठीक है 1 2 3 लॉग इन लॉग आउट, सही है, लॉग इन देन लॉग आउट। मसला क्या हो रहा है कि मैं जब भी इंडेक्स वाला पेज, इधर देखो हमारे पास अभी स्टिल हमारे पास इशू मौजूद है, जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करती हूँ ना तो क्या होता है वो बैक एंड से इसकी वजह से इशू होता है और वो मुझे कहाँ लेके चला जाता है, लॉगिन के पेज पे लेके चला जाता है। तो मुझे यहाँ से इसको हटाना है, इसको मुझे यहाँ से क्या करना है, हटाना है, बात समझ रहे हो, इसको यहाँ से मैं रिमूव करूंगी और मैं इस कोड को कहाँ पे लगाऊंगी, पेज पे लगाऊंगी, ठीक है, कि भाई अगर पेज पे मेरा कोई वेरिएबल एम्प्टी है तो वहां से पेज मेरा डायरेक्टली डायरेक्ट हो जाए, बात समझ रहे हैं। तो पहले फिलहाल इसको इतना करो लेआउट पे, फिर मैं वो कोड करवाती हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे करना है लेआउट के अंदर जाना है और लेआउट के अंदर जाके आपने ये दो लिस्ट बनानी है, मैंने अब रिफ्रेश वाला काम मैंने सही कर दिया, सही मैंने इनकेस किया कैसे है, मैंने क्या करा है ये इधर देख लो, ऊपर मैंने जो ये टेम डेटा बनाया था ना इसको मैंने वापस सेशन में दिया, ठीक है, वापस मैंने क्या करा है इसको सेशन में मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, सेशन में देने के बाद मैंने नीचे जाके इनकी ये चीजें जो है वो वाइस वर्सा इन्वर्ट कर दिया, मैंने कहा कि अगर सेशन यूजर नॉट इक्वल्स टू नल है तो इंडेक्स के पेज पे चले जाओ, एज रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन कर रही हूं मैं, अब क्या कर रही हूं रीडायरेक्ट टू एक्शन, कौन सा जाना चाहिए लॉगिन का, तो कौन सा वाला वो चलाएगा लॉगिन का, ये वाला चलाएगा, बात समझ में आई। तो अब मेरे पास यहां पे जो मेरा नेम है ना इधर मेरे पास क्या है टेम डेटा में नहीं आ रहा होगा, मैंने जब इसको लॉगिन करा ना तो टेम डेटा में पहली दफा तो मेरे पास आया, ठीक है, या दूसरी दफा मैं आप कह सकती हूँ कि भाई चलो आ गया, लेकिन जब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ ना तो टेम डेटा से ये चला जाता है, हाँ मैंने टेम डेटा लगाया हुआ है। तो मैं अब इस चीज को यहाँ से टेम डेटा रिप्लेस करके क्या कर दूंगी, यहाँ पे सेशन कर दूंगी, क्योंकि सेशन में जब ये चीज आ चुकी है तो टेम डेटा से आप हटा दो, टेम डेटा से वन टाइम तो रहता है, रिफ्रेश करने के बाद क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इस चीज को अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करती हूँ ना तो मेरे पास ये आएगा, मैं जब तक इसको चलाती रहूंगी ये चलता रहेगा, जब तक मैं इसे लॉग आउट नहीं करती ना तब तक ये यहाँ से हटेगा नहीं। अब मैं इसको दूसरे यूजर से करती हूँ लॉग इन, अब ये वाला आ रहा है, ठीक है, ठीक है, यही आएगा क्योंकि सेशन में मेरे पास मेंटेन ही वही हुआ हुआ है, एबीसी नहीं देगा वो, बात समझ रहे हो, हाँ कि मैंने बैक बैक कर रही हूँ तो जो मैंने पहले ही सेशन में एबीसी रखा था तो वो रखते नहीं, जिससे मैं करंटली लॉगिन ना वही रहेगा, बात समझ गए।
तो अब मैंने यहाँ पे जो सिंपल वर्क करा है वो सिंपल वर्क ये काम करा है कि मैंने इस कंडीशन को, एक तो यहाँ पे मैंने इसको टेम्प डेटा की जगह पे सेशन कर दिया है, होम कंट्रोलर में मैंने इस कंडीशन को उल्टी कर दी है, ठीक है, यानी इन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है, कंडीशन आपकी उल्टी हो चुकी है, इसलिए क्योंकि पहले हमने इक्वल्स टू नल रखने पे हम ये चीज उधर रख रहे थे, अब हमने इसको इधर कर दिया, ठीक है, हमने ये कह दिया अगर सेशन यूजर एम्प्टी नहीं है तो इंडेक्स के पेज पे चले जाओ, अदरवाइज आप रीडायरेक्ट टू एक्शन, सिर्फ रीडायरेक्ट नहीं, रीडायरेक्ट टू एक्शन लॉगिन पे चले जाओ, तो लॉगिन पे जब मैं लिखूंगी तो पहला ही वो यही चलाए, और नीचे वाले जो लॉगिन है इसके साथ मैंने क्या करा है, सेशन ऐड कर दिया, जो हमारा पहले भी ऐड था हमने उसको वापस वैसे ही ऐड कर दिया है। क्लियर है यहां तक? कमेंट कर दो, उसकी अब जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मेरी लिस्ट बनी हुई थी ना, इसी लिस्ट के ऊपर मैं दोबारा से लिस्ट बना रही हूँ, लेकिन ये मेरे पास नैफ राइट नहीं है, नैफ बार राइट नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा है एड पोस्ट, ठीक है, फ्रेंड भी रखना है, फ्रेंड इधर देखो, यहाँ पे देखो मेरे पास आ रहा है एड पोस्ट एड फ्रेंड, जिस पे मैं क्लिक करूंगी मेरे पास फिर उसी का पेज खुलेगा, एड पोस्ट पे जाऊंगी, पिक्चर अपलोड करी, ठीक है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखा और पोस्ट कर दिया, वो अपलोड हो जाएगा, पहला पेज हमें थोड़ा डिजाइन करना है जिसमें कि हमारी खुद की अपलोडेड जितनी भी पोस्ट हो वो नजर आए, ठीक है, ऐड फ्रेंड पे जाएंगे तो मेरे पास जितने भी लोग रजिस्टर हुए होंगे ना वो सारे मेरे पास आ रहे होंगे, जब मैं ऐड फ्रेंड करूंगी तो उनके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, और अगर वो रिजेक्ट कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा वहां से, बात समझ गए?